हेलो गाइस, मैं हूं काफ़ी और आप देख रहे हैं टेक्निकल काफ़ी। टेक्निकल काफ़ी में आपको सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं यहां पे एक कुछ सबमर्सिबल वायर है, सबमर्सिबल वायर का कॉयल है। तो ये जो कॉयल है दोस्तों, हम मोटर से निकाला तो जो ये मोटर था वो उसका जो है बॉडी शॉर्ट हमारा मीटर पर शो हो रहा था। तो हम इस वायर को निकाला, ये मोटर पूरी जाली नहीं लेकिन ये मोटर जो है शॉर्ट दिखा रहा था। तो हम क्या करेंगे, इस वायर को चेक करेंगे, इसके लीकेज को टेस्ट करेंगे, फिर हम उसका रिपेयर करेंगे। तो इसको रिपेयर करने के लिए आपको चाहिएगा इस तरह की एनालॉग मीटर। आप डिजिटल मीटर से इसको चेक नहीं कर सकते, आपको इस तरह की एक एनालॉग मीटर लेना होगा काटा वाला, और आपको एक ब्लैक टेप लेना होगा हाफ इंच का, ठीक है। आप वाइट कलर का ले सकते हैं ताकि देखने में अच्छा लगते है, वायर का कलर है। और आपको बाल्टी में कुछ जो है पानी लेना होगा, आप बाल्टी में पानी फुल कर लेना। हमारा पास पानी उतना नहीं था, हमने फुल नहीं किया, हाफ पानी लिया। तो आप फुल बाल्टी पानी ले लेना ताकि आपको वायर जो है चेक करने में आसानी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं हमारा कॉयल, आप एक साथ में एक कॉयल, दो कॉयल, दस कॉयल कुछ भी चेक कर सकते हैं। हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक कॉयल ले लिया। तो इस कॉयल का आप देख सकते हैं दो पॉइंट है, दो सिरा है। इस दो सिरा में आपको देख सकते हैं इसका जो कवर है उसको अच्छी तरह से आपको छील लेना होगा। इसके जो इंसुलेशन कवर है उसको हम निकल लिया, ठीक है, नहीं तो जो है कनेक्शन नहीं आएगी। और मीटर के जो है दोस्तों आपको 1K पे सेट कर लेना होगा। सेट कर लेने के बाद मीटर की दो पॉइंट होती है, आप किसी भी एक पॉइंट को ले लीजिए और उसको आप इस सबमर्सिबल वायर की कोई भी एक पॉइंट से जोड़ दीजिए। इस तरह से इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, आपको एक कनेक्शन देख लेना होगा। और इसको आप टेप कर दीजिए ताकि जो बार बार खुल ना जाए चेक करने समय। तो हमने इसको टेपिंग कर दिया। और दूसरी जो पॉइंट है दोस्तों, इसको हम जो है पानी में पूरी तरह से डुबा देंगे, ठीक है, पूरी तरह से इसको डुबाना होगा। अगर ये ऊपर रहती है तो हमारा चेकिंग ठीक से नहीं होगी। और इसका जो मोटर का जो दूसरा लीड होती है उसको हम बाहर रखेंगे, उसको पानी में नहीं डुबाना होगा, ठीक है। यही था इसका कनेक्शन। आप किस तरह से इसका जो लीकेज है उसको आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं, किस तरह से ढूंढते हैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमने जो कॉइल को है जो पानी में डुबा दिया। तो आप मीटर के तरफ देखिए, मीटर के जो दोस्तों कांटा है वो बिल्कुल सही जगह पे है, वो नहीं हिला। अगर कांटा जो है दोस्तों अगर राइट साइड में आती है, अगर हिल जाती है यानी कांटा अगर उठती है दोस्तों, तो हमको जानना होगा जो कॉइल है उसको लीकेज है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ कांटा एक ही पोजीशन पे है, ये कांटा नहीं राइट साइड पे आया, नहीं उठा, यानी इस तरफ जो कॉइल है वो बिल्कुल ठीक है नीचे की तरफ। अब इसको हम उल्टी तरफ डुबाएँगे, ठीक है। ये देखिए, जैसे ही हम इसको डुबाया इसका जो कांटा है वो राइट साइड पे आ गया, ठीक है, इसका कांटा उठ गया, यानी नीचे की तरफ हमारा जो है कॉइल लीकेज है। अब एक नीचे की तरफ कहाँ पे लीकेज है वो हमको खोजना होगा, किस तरह से हम इसको ढूंढेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि देखिए उतनी वायर है, अब किस वायर पर लीकेज है वो खोजना अब इसका मीटर का काम है। तो देखिए, जैसे हम इसको उठा लेते हैं जो कांटा है वो डाउन हो जाती है, और जैसे उसको डुबा देते हैं कांटा है जो अप हो जाती है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑफ है यानी हमारा कॉयल लीकेज है। अगर नहीं ऑफ होगी, डाउन हो जाती है तो लीकेज नहीं है, अगर ऑफ हो जाती है तो हमको जानना होगा जो कॉयल लीकेज है। तब हम लीकेज को ढूंढेंगे किस तरह से इसको ढूंढा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस कॉयल की कुछ वायर आपको बाहर निकाल देना होगा पानी से बाहर, आप कुछ वायर को इस तरह, फिर इस बाकी जो वायर रह जाती है उसको पानी डुबाइए। देखिए, फिर भी कांटा उठ रही है, मतलब इस वायर पे लीकेज है। फिर हम कुछ वायर और बाहर निकालेंगे, फिर भी देखिए कांटा उठ रहा है, आप मीटर की तरफ देखिए। अब फिर अब देखिए यहाँ पे ये फिर भी ये कांटा उठ रहा है, यानी इसको कुछ और बाहर निकालना होगा हमको। ये देखिए फिर भी उठ रहा है, इस तरह से आप इसको ढूंढ सकते हैं। ये देखिए फिर भी उठ रहा है, बाकी जो रह गया हमारा ये एक वायर, ये देखिए इसमें ही लीकेज है। अब इसमें कहाँ पर लीकेज है वो हमको जो वाटर लेवल है वहाँ से उठाकर, थोड़ा थोड़ा करके उठाकर हमको देखना होगा कहाँ पे लीकेज है। तो बहुत ही सावधानी से आप इसको उठाइए, देखिए कुछ इस लेवल पे जो है लीकेज हमको दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम इसको हाथ से देखेंगे, ये देखिए बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक लीकेज है। इसका जो कवर है दोस्तों वो उखड़ गया है, किसी भी कारण से इसका जो कवर है वो निकल गया यहाँ से, इसलिए यहाँ से जो पानी से इसको मीटर से कनेक्शन हो जाती है और हमारा को कांटा से मालूम चलती है जो लीकेज यहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए जैसे हम इसको डुबाएंगे पानी में,
इसका कांटा जो है उठ जाती है, मतलब ये हमारा लीकेज है। अब इसको हम अच्छी तरह से टेपिंग कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए बहुत ही छोटा सा, शायद आपको देख सकते हैं आप, बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा लीकेज है। छोटा सा भी छोटा सा कोई भी लीकेज है दोस्तों, आप इस मीटर से उसको ढूंढ सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये देखिए शायद आप देख सकते हैं, हम इसको रिपेयर कर लेंगे दोस्तों। आपको बता दें अगर ज़्यादा लीकेज आ जाती है, ठीक है, 1 से 10 लीकेज आ जाती है तो आप इस वायर को मत यूज़ कीजिए। अगर 1-2 लीकेज आ जाती है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सूखे कपड़े से पोंछ लेने के बाद इस तरह से ब्लैक टेप लगा लेना होगा। ब्लैक टेप आपको बहुत ही टाइट से लगाना होगा, और हम इसको सिर्फ एक बार लिपटेंगे, जो डबल नहीं होगा, सिर्फ एक लेयर से इसको हम मरेंगे। अगर डबल इसका ऊपर लेयर छपा देते हैं टेप का, तो जो है साइज़ में मोटा हो जाएगा, फिर हमको स्लॉट के अंदर डालने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए सिर्फ हम थोड़ा सा, ये देखिए हो गया, तो बहुत ही अच्छा से हमने इसको रिपेयर कर लिया। अब इसको हम पानी में डुबा कर देखेंगे हमको ये लीकेज दिखाई देती है कि नहीं। देखिए हमने इसको पानी में डुबा दिया, अब आप मीटर की तरफ देखिए, ये कांटा नहीं उठ रहा है, मतलब हमारा जो लीकेज है वो सॉल्व हो गया, इसका जो लीकेज है हम उसको रिपेयर कर दिया। अब दूसरी साइड भी इसको डुबा कर देखेंगे, अच्छी तरह से टेस्ट कर लेना होगा दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल ओके हो गया। अब ये वायर हमारा जो है वाइंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको वायर से मोटर वाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो था, नए नए जो बंदा इस काम में आया है सिर्फ उसके लिए इस वीडियो है। जो ओल्ड है उसको तो मालूम होता है किस तरह से वायर चेक किया जाता है, लेकिन जो नया वाला है उसको मालूम थोड़ा सा नहीं हो सकती, इसलिए हम इस वीडियो का बनाया। तो वीडियो अगर अच्छा लगे जरूर तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और इसी तरह से वीडियो आपको चाहिए किसी भी चीज़ पे, तो हमको कमेंट करके बताना, हम उस चीज़ पे वीडियो बनाएंगे आपके लिए ज़रूर। थैंक यू।